रंजना यदुवंशी के नाम पर ये कौन सपा को कर रहा बदनाम? लाइव आकर किया खुलासा तो सपाई भी रह गए हैरान। पहले एक वीडियो ने मचाया बवाल और अब अखिलेश यादव को लेकर किया गया पोस्ट, काट रहा गदर। संजना ने एक एक दुश्मन को दी खुली चुनौती तो मच गया हंगामा। सोशल मीडिया क्वीन ने लाइव आकर जहां किया बड़ा खुलासा तो सपा चीफ की बात करते हुए हो गई इमोशनल। माँ की सौगंध खाकर दुश्मनों को ललकारा। संजना यदुवंशी ये नाम एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया में गदर मचा रहा है और ये नाम एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा है। कुछ वक्त पहले संजना यादव पर यादव समाज को बदनाम करने का आरोप लगा था और फिर जब मामले का खुलासा हुआ था तो जमकर हंगामा हुआ था और अब संजना के ऊपर अखिलेश यादव और सपा को बदनाम करने की तोहमत लगाई जा रही है। एक खास पोस्ट को लेकर संजना को भला बुरा कहा जा रहा है और जब अपने नाम से इतना बवाल कटा देखा तो संजना से रहा न गया। सोशल मीडिया क्वीन ने लाइव आकर जहां हकीकत को बयान किया तो माँ की सौगंध खाकर एक एक दुश्मन को ऐसा ललकारा कि बदनाम करने वाले भी कांप गए होंगे। संजना ने विवाद को बढ़ता देख लाइव किया और एक एक पहलू पर प्रकाश डाला और इस सब के पीछे किसकी गंदी नीयत और सोच काम कर रही है लगभग उसका पूरा संकेत दे दिया। दरअसल संजना के नाम पर एक पोस्ट डाला गया था जिसमें अखिलेश यादव कुछ समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। कैप्शन में सैफई महोत्सव को लेकर निशाना साधा गया था। ऐसे में जब संजना के नाम से यह पोस्ट सामने आया तो लोग गलतफहमी का शिकार हो गए और यही बदनाम करने वालों की चाहत थी। लोग संजना को गाली देने लगे और भला बुरा कहने लगे। ऐसे में जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो संजना अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आई और दुश्मनों को ललकारा। माँ की कसम खाते हुए संजना ने खुली चुनौती दी कि दम है तो सामने आकर बात की जाए। संजना ने बताया कि जिन लोगों ने पहले बदनाम करने की कोशिश की ठीक वैसा ही हाल अब किया जा रहा है, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगी और ना ही किसी को छोड़ने वाली हूँ। जिन लोगों ने मेरे नाम से सपा पर कीचड़ उछाला है मैं उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी और सजा दिलवाकर ही दम लूंगी। इस मौके पर संजना अखिलेश यादव का नाम का जिक्र करते हुए इमोशनल हो गई। साथ ही संजना ने हर किसी से अपील की कि आप लोग किसी भी पोस्ट को शेयर करने और कमेंट करने से पहले जो रियल प्रोफाइल है उनके बारे में जान लें, तभी कमेंट करें और अफवाह फैलाने वालों और बदनाम करने वालों से सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।